गाइस देखो, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ऐसी वर्क फ्रॉम होम जॉब्स लेकर के आई हूँ जिसमें आपने सिंपल सा काम करना है, ठीक है। सिर्फ गूगल पे रिसर्च करके आप लोग एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग मंथली बेसिस पे 8,000 से लेकर के इवन 30,000 तक अर्न कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान सी ये जॉब होने वाली है जिसे आपने सिर्फ अपने मोबाइल फोन से करना है, ठीक है। इसके लिए कोई भी डेस्कटॉप या लैपटॉप की जरूरत नहीं है। तो अगर आप लोग घर बैठे अर्निंग करना चाहते हैं, पार्ट टाइम अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब सिर्फ 2 से 3 घंटा अगर आप दे देते हैं डेली बेसिस पे, एंड आप सोचते हैं कि उससे हमारी सिर्फ इतना टाइम डेडिकेट करके हमारी एक मंथली बेसिस पे अच्छी अर्निंग हो जाए, एक फुल टाइम अर्निंग हो जाए, ठीक है, सिर्फ पार्ट टाइम काम करके, तो बहुत ही बेहतरीन आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए होने वाली है। एंड गाइस देखो, यहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है, इन जॉब्स को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है जैसे कि बाकी की जॉब्स में हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्रोफाइल पे आपका काम होता है तो वहां पे उस पर्टिकुलर डोमेन की नॉलेज आपको चाहिए होती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिंपल सा काम यहाँ पे करना है, सिर्फ आपने गूगल का यूज करना है, गूगल पे आपने रिसर्च करनी है, ठीक है, एंड उसी से वही काम करके जो कि कोई भी कर सकता है, ठीक है। अगर आप 18+ इयर्स ऑफ एज के हैं तो आप इस काम को कर पाएंगे। तो अगर इतना काम मतलब कोई भी जानता है, गूगल पे काम करना, गूगल पे रिसर्च करना कोई भी जानता है तो वो इस काम को कर सकता है, ठीक है। तो सारी चीजें हम लोग आगे इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके का काम यहाँ पे करना है, कौन सा ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बट फिलहाल मैं एक ब्रीफ आपको यहाँ पे आइडिया दे देती हूँ उसके बारे में कि यहाँ पे एक्चुअल में जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे काम आपको किस तरीके से करना होता है, मतलब जो प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे उनके लिए यहाँ पे काफी सारे लोगों को मतलब अप्लाई करना होगा, ठीक है। एक ही प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, एंड जितने भी लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, 300 400 जितने भी लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसमें से 50% लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिनका जो प्रोजेक्ट होगा वो अप्रूव हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितने लोगों ने भी वहां काम दिया होगा उनमें से टॉप 50% जो मतलब लोग होंगे जिन्होंने अच्छा काम वहां पे दिया होगा उनका काम यहाँ पे अप्रूव होता है, एंड उन सभी लोगों को यहाँ पे पेमेंट दी जाती है, ठीक है। अगर 300 लोगों ने यहाँ पे काम के लिए अप्लाई किया तो उसमें से 150 लोगों को यहाँ पे पेमेंट दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है इस प्लेटफॉर्म की कि यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है या फिर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम है, आपके कम चांसेस है यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के अप्रूव होने के। ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो आपकी चांसेस हैं अर्निंग की इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत बढ़ जाती है। इनका वर्किंग मॉडल ही ऐसा है, ठीक है, इनका पेमेंट मॉडल ही ऐसा है, एंड यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का अमाउंट लोगों को दिया जाता है वो भी काफी अच्छा होता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल से काम का यहाँ पे आप एक बहुत डिसेंट अमाउंट अर्न कर सकते हैं। इवन ये जो प्लेटफॉर्म है इसका काफी बड़े ब्रांड्स के साथ, बड़ी कंपनीज के साथ इसका टाई अप भी है, तो आप 100% इस प्लेटफॉर्म को ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अभी सारी चीजें इन डिटेल में आगे आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कैसे काम करना है, ठीक है, कैसे आपकी पेमेंट आएगी, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहूंगी कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, कुछ भी स्किप ना करें ताकि सारी चीजें आपको समझ में आए एंड फिर खुद से आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे काम कर पाए। सो हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है निशा और आप देख रहे हैं बेस्ट इनकम सीकर्स। एंड गाइस, अभी थोड़ी ही देर में हम लोग अपने लास्ट वीडियो के जो गिव अवे विनर है उनका नेम भी अनाउंस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि अगर आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था तो आप लोग इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। सो गाइस चलिए, अब देर ना करते हुए मैं आपको ले चलती हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड आपको बताती हूँ उस प्लेटफॉर्म के बारे में। सो गाइस देखो, जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रही हूँ उस प्लेटफॉर्म का नाम है mysumo.com, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं, एंड एक एक प्रोजेक्ट का यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा अमाउंट मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं $1600, $800, ठीक है, एंड बहुत ही इजी से प्रोजेक्ट्स होते हैं जो रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको गूगल पर रिसर्च करनी होती है, ठीक है, एंड इजिली आप उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगी सारी चीजें, ठीक है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर योर क्रिएटिव आइडियाज एंड गेट पेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअल में जो प्रोजेक्ट्स होंगे दैट आर दी प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन दी क्रिएटिव आइडियाज, ठीक है। यहाँ पे आपको काफी सारी चीजों के बारे में अलग अलग प्रोजेक्ट्स होंगे जिनमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, एंड उनको आपने आंसर करना होगा डिपेंडिंग अपॉन योर क्रिएटिविटी, ठीक है, कि आप क्या सोचते हैं, आपके आइडियाज क्या हैं उनके बारे में, प्लस
आप गूगल से रिसर्च करके एक बढ़िया सा कंटेंट तैयार करके, एक बढ़िया सा कंसाइज्ड आंसर आप लोग तैयार करके आप उसे भी सबमिट कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो इस तरीके का काम आपने यहाँ पे करना होता है। एंड एक्चुअल में जो काम है, ये जो बड़े ब्रांड्स हैं, बड़ी जो कंपनीज हैं, ये शेयर करती हैं इस प्लेटफॉर्म पर, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप कर पाए थ्रू दीज क्रिएटिव आइडियाज जो कि उन्हें हम जैसे लोगों से मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो रिसर्च है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बोरिंग काम नहीं होगा, बहुत इंटरेस्टिंग काम होने वाला है। एंड यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि एक एक प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा अमाउंट ये कंपनीज देती हैं, जो कि डिवाइड होता है काफी सारे लोगों में। 50% ऑफ दी पीपल जो यहाँ पे प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, उनमें से 50% लोगों में जो अमाउंट है डिवाइड होती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे 1,000 रुपीज से लेकर के इवन 10,000 रुपीज पर प्रोजेक्ट अर्न कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी सारी चीजें। अब देखो गाइस, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअल में प्रोजेक्ट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में ये आपसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, व्हाट विल स्मार्ट होम्स लुक लाइक 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ। इसका मतलब है कि आज से 10 साल बाद जो स्मार्ट होम्स होंगे, क्योंकि उस समय तो स्मार्ट होम्स ही होंगे, टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी ग्रो कर रही है, ठीक है। तो 10 साल बाद जो स्मार्ट होम्स होंगे वो कैसे दिखेंगे, मतलब क्या क्या चीजें होंगी, एंड कैसे उनको स्मार्ट होम्स बनाया जाएगा, लोग क्या क्या ऐसे गैजेट्स यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आंसर करनी है, वो जो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारी चीजें पता लगेंगी। अब ऐसे देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द नेक्स्ट बिग फूड ट्रेंड, की अगला बड़ा फूड ट्रेंड क्या होगा, मतलब लोग क्या पसंद करेंगे खाने में। जैसे अभी आज के टाइम पे जो लोग हैं वो फास्ट फूड काफी ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो आने वाले टाइम पे किस तरीके का फूड ट्रेंड में होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव क्वेश्चंस हैं, जिनको आप गूगल पे रिसर्च कर सकते हो। थोड़ा आप अपने आइडियाज भी आप यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप गूगल पे रिसर्च करो। अगर आपकी खुद के आइडियाज हैं, आप खुद सोच सकते हो इस लेवल का, तो आप अपना सोच करके भी आप आंसर इनको दे सकते हो। जैसे कि देखो ये वाला जो प्रोजेक्ट है, इस पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट इज यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इसका अमाउंट, $1,600 का ये प्रोजेक्ट है। एंड यहाँ पे देखो स्पॉट्स टेकन में सिर्फ 13 स्पॉट्स लिए गए हैं, यानी कि अभी बहुत सारे स्पॉट्स यहाँ पे बाकी हैं। एंड ये जो प्रोजेक्ट है इसकी ड्यूरेशन भी 15 डेज है, ठीक है। इसमें पूछा है इन्होंने, हाउ कैन टेको बेल ब्रिंग नॉस्टैल्जिया टू आवर फ्रोजन फूड ऑफरिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं एक तरीके से कि कैसे जो लोग हैं वो हमारी ब्रांड से, मतलब हमारे जो फ्रोजन फूड ऑफरिंग्स हैं उनसे कैसे इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी होंगी, जो भी यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन वगैरह अपना दिया हुआ है इसका, ठीक है। उसके बाद जो चीजें इन्होंने पूछी हुई है, सारे डिलीवरेबल्स जो है, मतलब जो जो चीजें आपको रिसर्च करके यहाँ पे देनी है, जो जो चीजें, जो जो आइडियाज आपको यहाँ पे शेयर करने हैं, जिन जिन चीजों के बारे में, वो सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन्ड तरीके से यहाँ पे दी होती हैं। एंड इन क्वेश्चंस को पढ़ के आपने इनका आंसर करना होता है बेस्ड ऑन योर रिसर्च, ठीक है। तो एक एक करके आपने ये चीजें समझनी है, इनके बारे में रिसर्च करना है, एंड एक डिटेल्ड कॉन्टेंट इस पे जनरेट करना है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट दिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजों से रिलेटेड, कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे, कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड होंगे, कुछ फूड से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस किस तरीके के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे प्रीवियसली, मतलब पास्ट में यहाँ पे इन लोगों ने दिए हुए हैं। एंड जैसे ही प्रोजेक्ट यहाँ पे आता है, वैसे ही आपको कोशिश करनी है कि आप वैसे ही तुरंत ही अप्लाई करें, ठीक है ना। तो आपको अपडेटेड रहना है, आपको रोज इस वेबसाइट को चेक करना है। तो यस देखो, अब बात आती है कि हमें कैसे इस पे साइन अप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, इस पे जब आप क्लिक करोगे, उसके बाद देखो यहाँ पे आ रहा है डोंट हैव एन अकाउंट येट, ठीक है। तो आपने इस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लेना है, ठीक है। फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, लोकेशन डालनी है, ईमेल एड्रेस हो गया, पासवर्ड हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे डाल देनी है। फिर आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है, जेंडर डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी स्किल्स दी हुई है आपने उसको रेट करना है, ठीक है। आपने स्किल्स डालनी नहीं है, आपने सिर्फ रेटिंग देनी है कि आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स कैसी हैं, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप यहाँ पे अबव एवरेज प्रोफिशिएंसी, ये आप यहाँ पे चूज करें, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केटिंग स्किल्स, तो आप सभी में यही चूज कर सकते हैं। टेक्निकल स्किल्स आपने डालनी है, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे फर्स्ट वाले में आपने यहाँ पे चेक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने टर्म्स ऑफ यूज पे एंड प्राइवेसी पॉलिसी एंड लास्ट वाला जो है, इन तीनों पे आपने चेक कर देना है, ठीक है। एंड फिर आपने यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है, एंड फिर यहाँ पे आपने साइन अप पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इतना सा प्रोसेस है इसका साइन अप का। यहाँ पे आ रहा है देखो, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, एंड ये आपका अकाउंट जो है यहाँ पे ओपन हो
हो चुका है, ठीक है, अभी यहाँ पे $0 आ रहे हैं। उसके बाद ही होगा, आपने क्या करना है, यहाँ जब आप क्लिक करोगे इस आइकन पे तो यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप जाओगे तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि योर ईमेल इज नॉट वेरीफाइड, ठीक है। तो आपने सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है, ठीक है, तो आपने अपनी ईमेल ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पे देखो गाइस इसकी ईमेल आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी लिंक पे, बीच में ना लिंक्स दिए हुए हैं, तो किसी भी लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका जो ईमेल एड्रेस है वो इंस्टेंटली वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले अपनी ईमेल यहाँ पे वेरीफाई कर लेनी है, एंड जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखो प्रोफाइल का ऑप्शन है, तो इस पे आपने क्लिक करना है, तो आपकी ये प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अर्निंग्स का भी सेक्शन है, तो यहाँ पे आप अपनी अर्निंग्स, सी अर्निंग्स हिस्ट्री पे क्लिक करोगे तो आप अपनी अर्निंग्स देख पाओगे अभी तक आपने कितना कितना अर्न किया है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पे चैलेंजेस का ऑप्शन है, तो इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आप उसी पेज पे पहुंच जाओगे, चैलेंजेस वाले पेज पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सपोज करो कि मैंने फिफ्थ वाले पे क्लिक किया, फिफ्थ वाले चैलेंज पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे लिखा होगा देखो रिजर्व योर स्पॉट फर्स्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस चैलेंज, ठीक है। एंड यहाँ पे रिजर्व स्पॉट का ऑप्शन आ रहा है। अब देखो गाइज ये भी जरूरी नहीं है कि सारे चैलेंजेस सभी कंट्रीज के लिए हो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ पर्टिकुलर कंपनीज जो किसी पर्टिकुलर लोकेशन में होती हैं, किसी पर्टिकुलर कंट्री में होती हैं, वो उसी कंट्री के लिए चैलेंजेस डालती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर चैलेंज हो, बट जो भी आपकी कंट्री के लिए अवेलेबल चैलेंज होगा उस पर आप जरूर अप्लाई करें, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे रिजर्व स्पॉट पे आपने क्लिक कर देना है, उसके बाद आपने यहाँ पे फिर ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपने जब ओके पे क्लिक किया, उसके बाद अब देखो यहाँ पे टाइम रिमेनिंग आने लग गया, तो मे बी यहाँ पे जो ये 12 आवर्स दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए डिफरेंट हो। तो अब क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन है वो वैसे भी कम बचा हुआ है ना, देखो सिर्फ 29 आवर्स बचे हैं इस प्रोजेक्ट के, तो इसलिए शायद यहाँ पे इन्होंने जो ये ड्यूरेशन है आइडिया सबमिट करने की, ये भी इन्होंने कम कर दी है, ठीक है ना। तो वो वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट एंड दी टाइम लेफ्ट फॉर दी प्रोजेक्ट कंप्लीशन, ठीक है। तो उसके हिसाब से होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है। तो ये चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे पेमेंट कैसे मिलती है, ठीक है। तो आप देखो जब यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जहाँ पे $0.00 लिखा हुआ आ रहा है, जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो सबसे ऊपर इन्होंने दिया हुआ है कनेक्ट माइंड सुमो टू योर पेपैल अकाउंट, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है ये भी आपको पेपैल में ही पेमेंट देता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास पेपल अकाउंट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो वहां से जा करके विद इन 5 to 10 मिनट्स आप उस वीडियो को वॉच करके अपना पेपल अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कनेक्ट माइंड सुमो टू योर पेपल अकाउंट, तो आपका पेपल अकाउंट ओपन करेगा, वहां पे आपने लॉग इन कर लेना है एंड फिर ये जो अकाउंट है आपका कनेक्ट हो जाएगा। एंड जैसे ही आप किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे, अप्रूव हो जाएगा आपका जो कंटेंट है, वैसे ही वो लोग जो पेमेंट ट्रांसफर करेंगे दैट विल बी ट्रांसफर टू योर पेपैल अकाउंट, ठीक है ना। एंड फिर विद इन 24 to 48 आवर्स जो आपकी मनी है ऑटोमेटिकली पेपैल ट्रांसफर कर देता है आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली कहाँ पे रिसीव हो जाएगी, अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो गाइज आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ये प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगा होगा। मैं चाहूंगी कि आप लोग जरूर इस प्लेटफॉर्म को ट्राई करें, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये चलिए आप अपने जो गिव अवे के विनर है उनका नेम अनाउंस कर देते हैं। हमारे पिछले गिव अवे के जो विनर है उनका नाम है करुण एंड उनकी आईडी है करुण 2094। सो थैंक यू सो मच करुण फॉर लीविंग सच अ काइंड कॉमेंट ऑन आर वीडियो, ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर दी सजेशन जो भी आपने अपने कॉमेंट में दिए हैं। आई विल ट्राई कि हम उन सजेशंस को इम्प्लीमेंट कर पाए अपनी आगे की वीडियोस पे, ठीक है। इनको 500 रुपीज का पेटीएम कैश दिया जाएगा, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सो मच। हमारी ईमेल आईडी पे जो कि हमने डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, ठीक है, उस पे हमें ईमेल करें विद ऑल योर डिटेल्स, ठीक है, ताकि हम जल्द से जल्द आपको पेमेंट आगे प्रोसेस कर पाए, ठीक है। सो गाइस आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, बट अगर स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं चाहूंगी जरूर आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सबको सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलते रहें रिलेटेड टू ऑनलाइन अर्निंग। सो वैसे इतना ही था फिर आज की वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।